इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कानपुर के बाद जहां प्रयागराज में भी आग ने तांडव मचाया है, तो चौक स्थित संजय मार्केट में जहां आग लग गई है, जहां संजय कॉम्प्लेक्स में 200 से ज़्यादा दुकानें हैं, जिसमें आज प्रथम तल की सभी दुकानों में आग की लपेट में आ गई और जिसके कारण करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि इस मार्केट में ज़्यादातर प्लास्टिक और अन्य सामानों की दुकानें हैं। मगर सबसे बड़ी बात कि इस मार्केट को PDA ने बनाया था और सालों से यहाँ का फायर सिस्टम खराब है। इस पर प्रशासन ने पहले भी ध्यान नहीं दिया, इससे पहले भी 3 बार आग लगी है और जिसके कारण कई बार घटनाएं हो चुकी है, मगर जिसके बाद भी जिला प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में क्या कुछ कहना है चीफ फायर ऑफिसर का, आइए सुनाते हैं आपको। सर ये बताइए, आज यहाँ मार्केट में आग लगी है और किस तरह से आग से यानी गाड़ियाँ अब तक लाई गई हैं और कितना नुकसान होने की संभावना है? इसमें जो है 8:30 बजे हम लोगों को आग लगने सूचना प्राप्त हुई कि नेहरू कॉम्प्लेक्स में जो है आग लगी है और हम लोग मौके पर तत्काल 2 फायर टेंडर लेके आए। यहाँ देखिए पूरा मार्केट में धुआं भरा हुआ था, जिसकी भयावहता को देख के हम लोग पूरे जनपद से, कौसाम्बी से, प्रतापगढ़ से सबसे गाड़ियाँ मंगा ली और तब से हम लोग 2-3 घंटे से अग्निशमन कार्य कर रहे हैं और एक हिस्से में अब आग रह गई है और चारों हिस्से को हम लोग बचा लिए, 3 हिस्से को। अब जो है 2 घंटे से हमारा कार्य चल रहा है और हमारे 100 कर्मचारी और 20 फायर टेंडर लगे हैं और जो बारी बारी से फायर टेंडर रिले पंपिंग से पानी भर के ला रहे हैं। करीब अब तक 50-60 टैंकर जो है पानी इसमें लग चुका। इसमें आग में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, जनहान पूरी तरह सुरक्षित है। इससे पहले भी आग लगी थी और PDA के द्वारा ये बनाई गई मार्केट है, उसमें फायर सिस्टम है पूरी तरह से बंद पड़े और जर्जर हालात में, इस पर अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? हाँ, इस पर कार्रवाई नहीं हुई अभी। देखे फायर सिस्टम इनका पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रहा है, अब इसके लिए लिखा पढ़ी करके कार्रवाई की जाएगी। मेरे समय की तो पहली घटना है। तो मार्केट या सील भी किया जाएगा? नहीं, मार्केट को नहीं, इसके सिस्टम को सही कराया जाएगा, सबको जागरूक किया जाएगा कि आग लगे तो आप लोग कैसे आग बुझाएं, अपने अग्निशमन यंत्रों को रखें और उसका नियम का पूर्णतः पालन करें। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक की पत्नी साहिस्ता परवीन की अग्रिम जमानत की अर्जी पर टली सुनवाई। वकीलों की हड़ताल के चलते टली मामले में सुनवाई। 3 अप्रैल को MP MLA स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। अगली सुनवाई पर साहिस्ता परवीन के अधिवक्ता ने अदालत में कागजात दाखिल करेंगे। साहिस्ता परवीन के वकीलों ने अपना पक्ष रखने के लिए मांगी मोहलत। उमेश पाल मर्डर केस में नामजद FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की गई है अग्रिम जमानत अर्जी। साहिस्ता परवीन फरार हैं और उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया है। तो वहीं आज इस पर सुनवाई होनी थी मगर कोर्ट में हड़ताल होने के कारण आज ये सुनवाई टल गई है। तो वहीं अब साहिस्ता परवीन की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 3 तारीख को सुनवाई होगी। फिलहाल ये सुनवाई आज टल गई है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां MIM पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फरहान साहब ने अब एक वीडियो जारी किया है। साथ ही उन्होंने वीडियो जारी करते हुए मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने प्रयागराज की करेली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उनका कहना है कि उनके बयान देने पर और पार्टी का पक्ष रखने के बाद उनके घर पर पुलिस आई और ताला तोड़कर उनके पिता और उनके घर वालों को ले गई है। साथ ही फरहान पर हाजिर होने का दबाव बनाते हुए पुलिस कह रही कि गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करेंगे। ऐसे में फरहान का क्या आरोप है और ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कहना है फरहान साहब का। अस्सलाम वालेकुम, मैं MIM पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद फरहान। आज मेरे घर पर सुबह से कई बार पुलिस आई प्रयागराज जनपद इलाहाबाद की थाना करेली की, और आने के बाद उसने पूछताछ की। मैं घर पर नहीं था, जबरन मेरे पिताजी को ताला तोड़ करके पुलिस वाले घर के अंदर घुस करके उठा कर लेकर गए, मेरे घर वालों को लेकर गए हैं, मेरी गाड़ियां लेकर गए हैं पुलिस वाले। और बस मेरा गुनाह क्या यही है कि मैं TV चैनल्स पर डिबेट में पार्टी का पक्ष रखता हूँ, सच बोलता हूँ, ये मेरा गुनाह है। और पुलिस कह रही है, पुलिस के लोग कह रहे हैं कि इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखेंगे कि सारी नेतागिरी भूल जाएंगे, अब तक जितनी हिंसाएं हुई हैं सारी हिंसाओं में आपका नाम डाल देंगे, और नहीं तो कहिए कि फौरन थाने पर हाजिर हो जाएं। मैं जानना चाहता हूं किस लिए आज की डेट तक मेरे ऊपर 151 का भी मुकदमा नहीं पंजीकृत है कहीं पर भी किसी भी थाने में, मगर पुलिस मेरा जबरन उत्पीड़न कर रही है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं और MIM पार्टी का प्रवक्ता हूं।
आप लोगों से मैं न्याय की गुहार लगाता हूं, आप लोग मेरे साथ खड़े हों और मेरा साथ दें। संगम नगरी प्रयागराज में जहां चौरसिया समाज की ओर से जहां राम वाटिका में कल सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा जिसमें 3 जोड़ों की शादी कराई जाएगी चौरसिया समाज के द्वारा, तो साथ ही उन्हें दहेज का पूरा सामान दिया जाएगा उपहार स्वरूप। तो साथ ही यहां पर एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें अक्सर देखा गया है कोई भी सामूहिक विवाह में रक्तदान नहीं होता, मगर इस बार ये खास पहल चौरसिया समाज के द्वारा की जा रही है। ऐसे में क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। जैसा कि विगत 10 वर्षों से हम आयोजन को करते चले आ रहे हैं, हर बार हमारा प्रयास होता है कि कुछ न कुछ भव्यता लाई जाए, कुछ न कुछ बेहतर किया जाए। इसी क्रम में इस बार भी लगातार हम अपना 11वां वर्ष का कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें हम सम्मेलन के साथ साथ सामूहिक विवाह, रक्तदान शिविर और निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर कराने जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में अगर देखा जाए तो किसी भी सामूहिक विवाह या सम्मेलन में रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं होता है, लेकिन युवा समाज प्रयागराज ने इस चीज़ की पहल की और लगातार ये देखने के लिए मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हमें इस तरह से प्रोत्साहन भी मिल रहा है और अन्य जगहों पे भी, हमारे समाज के अन्य जगहों पर भी ये आयोजन धीमे धीमे शुरुआत की गई। क्योंकि समाज सेवा में जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन रक्तदान को कहते हैं कि महादान, रक्तदान महादान, किसी का जीवन बचा सकते हैं हम इस उद्देश्य को लेकर के, तो ये आयोजन भी हम लगातार कर रहे हैं। विकास कुमार चौरसिया, महासचिव युवा चौरसिया समाज सेवा ट्रस्ट प्रयागराज रजिस्टर्ड। महाकाल, जैसा कि हर साल हमारे प्रयागराज में चौरसिया समाज सामूहिक विवाह करता है और इस साल भी ये बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। बस थोड़ा ये है कि इस साल इन्हें जोड़े 3 मिले हैं, पिछले साल 7 मिले थे, तो उस चीज़ की हमें कोई निंदा नहीं है, खुशी है इस बात की कि कम से कम लोग अपने ऊपर अब कॉन्फिडेंस है उनको कि अब सामूहिक विवाह कम कर रहे हैं, अपने कमाई से भी लोग अरेंज मैरिज हर चीज़ करते हैं। और हमारा समाज हर साल, जैसा कि किन्नर समाज अपनी कमाई में से भी कुछ परसेंटेज निकाल के अलग रखता है जिससे वो सोशल वर्क का काम करता है, तो जो भी होगा, जैसे हर साल मैं पलंग का पूरा सेट देती हूँ बच्चों को, इस साल भी बच्चों को जो भी सरप्राइज होगा वो दिया जाएगा। और उसके साथ हमारा समाज, किन्नर समाज, मेरा पूरा आशीर्वाद रहेगा कि माता रानी महाकाल इनका जोड़ा बनाए, क्योंकि भविष्य में सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि एक नर नारी का जोड़ा है और जीव जंतु का, पक्षी का, हर किसी का जोड़ा इस परमेश्वर ने बना के ही भेजा है, एक चप्पल तक का जोड़ा बनाया है, और हमारा एक किन्नर समाज का जोड़ा ही नहीं बनाया तो हमें आशीर्वाद के लिए बनाया है, तो हमारा पूर्ण आशीर्वाद बच्चों के साथ रहेगा और इस चौरसिया समाज के भी साथ रहेगा और ये आगे बढ़ चढ़ के ऐसे ही हर साल कार्य करें। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज कानपुर के बाद प्रयागराज की संजय मार्केट में आग लग गई थी, आग ने विकराल रूप धारण किया था, यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू तो पाया है, मगर सबसे बड़ी बात इसमें लगे फायर सिस्टम पूरी तरह से ख़राब है। इससे पहले भी आग लगी थी और फायर सिस्टम सही कराने की बात की गई थी, मगर यहाँ के व्यापार मंडल अध्यक्ष की माने तो उनका कहना, कई बार शिकायत करने के बाद भी इसका फायर सिस्टम PDA के द्वारा सही नहीं किया गया, तो वहीं दोषियों अधिकारियों के खिलाफ अब कांग्रेस के नेता इरशादुल्ला ने कार्रवाई की मांग की। ऐसे में क्या कुछ कहना चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष का और कांग्रेस नेता का, आइए सुनाते हैं आपको। क्या कहेंगे, देखिए शहर का अति व्यस्तम इलाका है, शहर के एकदम बीचों बीच में मार्केट है, इसके मार्केट के अंदर जो प्रथम थल है उसमें पूरी तरीके से स्वाहा हो गया है और बहुत ज़्यादा उसमें दुकानदारों का नुकसान हुआ है और यहाँ पे फायर का जो सिस्टम लगा हुआ है वो फायर काम नहीं कर रहा काफ़ी दिनों से। अगर इसमें जो भी दोषी हैं, जिसमें जैसे ADA या नगर निगम, जो भी इनकी लापरवाही है, तो उनको भी कानूनी तौर पर उनको भी दंड देना चाहिए कि इतनी बड़ी आग लगने के बाद भी पूरी तरीके से इन्होंने काम करना बंद किया, काम इसकी लापरवाही नज़र आती है। क्या नाम इस साथ? देखिए यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं, ADA की ये बिल्डिंग है, आज कई सालों से आप देख रहे हैं कई बार आग लग चुकी है, लगातार ये तीसरी बार ये हादसा है चौक के अंदर, और चौक की सबसे बड़ी बिल्डिंग है संजय मार्केट, और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, लगातार आप देख रहे हैं फायर ब्रिगेड आ रही है जा रही है, अभी तक आग कंट्रोल नहीं है, सुबह 7 बजे से आग लगी हुई है और कम से कम कई करोड़ों का नुकसान हो चुका है, 200 दुकानें जल चुकी हैं यहाँ पर।
प्लास्टिक का खराब है यहाँ पर, फायर सिस्टम खराब है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है कोई। क्या सिस्टम है? शिकायत कई बार करी गई, कोई सिस्टम ही नहीं होता है। आज लगी है, आज आती है, एडी आके देख नहीं रही है। इसका कोई सिस्टम नहीं, सोसाइटी नहीं है यहाँ पे। इतनी बड़ी मार्केट आपने बना रखी है, कई करोड़ों का नुकसान हो चुका है, 200 दुकान जल गई है, अब इतना तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये तीसरी बार आग लगी है। मुसाफ खान चौक। इस वक्त की बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहाँ कोरोना संक्रमण से जुड़ी है बड़ी खबर। प्रयागराज में छाया कोरोना संक्रमण का बादल, प्रयागराज में फिर से बढ़ने लगा है कोरोना संक्रमण का खतरा। प्रयागराज में जहां शुक्रवार को कोरोना से संक्रमित 9 पॉजिटिव लोग मिले हैं, तो एक बार फिर से तेज़ी से बढ़ रहा प्रयागराज में कोरोना का संक्रमण। वहीं प्रयागराज में एक्टिव केस 17 है। कोरोना संक्रमण फिर से एक बार बढ़ने लगा है और जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आने लगी है। जहां सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी करके मास्क सार्वजनिक स्थान पर लगाने के लिए कहा गया था, उसके बावजूद लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं और कोरोना का संक्रमण एक बार बदलते मौसम के साथ फिर तेज़ी से बढ़ने लगा। वहीं फिर एक बार फूटा कोरोना बम, मिले 9 संक्रमित लोग। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।